हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके स्टीरियो केमिस्ट्री से चार बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिनमें आप लोग बड़े ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इनको हम लोग क्या क्या होने वाले आज के हमारे ये वर्ड्स या फिर टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, फिर डायस्टीरियोमर्स क्या है, एपीमर क्या है और एनोमर क्या है। ये चार आपके जो मर है ना, ये आप लोगों को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बहुत आसानी से आप लोग को यहाँ पे समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे कि इनैंसियोमर्स की। देखो, आपको पता है वो ऑल दोज स्टीरियोआइसोमर्स जो क्या होते हैं, आपके मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर्स बोलते हैं। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हमेशा पेयर्ड में आपके एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका सूज की बात करते हो, आप सॉक्स की बात करते हो, आप ग्लव्स की बात करते हो, तो ये सब क्या होते हैं डियर, आपके पेयर के फॉर्म में होते हैं। अगर लेफ्ट होगा तो राइट भी होता है, लेफ्ट है तो वो राइट नहीं होगा, दूसरा आपका उसका एक राइट फॉर्म होता है। तो ये आपके क्या हो गए, देखो ये अगर आपके शूज की बात करते हैं, तो अगर आपके पास राइट शू है तो क्या आप उसको लेफ्ट में पहन सकते हो क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। मीन्स आप बोलोगे कि लेफ्ट अगर है तो उसका राइट एक दूसरा होगा, आपका लेफ्ट अगर है तो राइट एक दूसरा होगा। तो ऐसा ही आपकी यहां पे बात आती है। तो देखो इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, इनैंसियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, सबसे पहली बात देखो आप, ऑप्टिकली एक्टिव होने से मतलब क्या है कि ये आपके प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। अगर आप या पास करते हो इनके अंदर से, अगर आप क्या करते हो, प्लेन पोलराइज लाइट पास करा रहे होते हैं। सो आपके पास जैसे यहां पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया हुआ है आपका, ये क्या है देखो, ग्लूकोज का क्या दिया हुआ है, एपीमर दिया हुआ है। सो डियर आप देखो यहां पे क्या है, दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स आपके यहां पे मेंशन है। आप इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहां पे आपके पास लेट सपोज हमने इसको बता दिया कि ये आपका एक मिरर है, हमने जो प्लेस किया हुआ है। सो ये हमारे पास में एक क्या है, देखो यहां पे आपके पास में एक ग्लूकोज है और इधर भी अपने पास में क्या है, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सो ये आपके पास में क्या है, देखो दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके यहां पे प्रेजेंट है। तो आप एक बात बताओ, यहां पे क्या है देखो, आपके टोटल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन होते हैं। सबसे अबव वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन आपका क्या होता है ग्लूकोज के केस में, एल्डिहाइड होता है, और लीस्ट कार्बन क्या होता है, अल्कोहल वाला ग्रुप कंटेनिंग होता है, CH2OH होता है। और यहां आपके पास में कितने होते हैं, 4 आपके पास काइरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहां अगर बात करते हो तो आपके पास में 4 जो काइरल कार्बन है वो आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। 5-4 आपके पास क्या है यहां पे, काइरल कार्बन है। ये CH2OH ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, ये आपके क्या है, आपके काइरल कार्बन्स नहीं होते हैं। सो यहां देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हैं, अगर आप इसका कैपिटल DL नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आप यहां क्या पाते हो कि CH2OH या फिर जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, इसके जस्ट एबव जो कार्बन है, जो काइरल कार्बन है, पहला काइरल कार्बन, उस पर OH की पोजिशन अगर लेफ्ट साइड में है तो आप उसको L फॉर्म बोलते हो, कैपिटल L फॉर्म। स्मॉल L और कैपिटल L दोनों डिफरेंट होते हैं। सो ये आपका क्या है, कैपिटल L फॉर्म है। और वहीं अगर आप बात करते हो इसके इनैंसियोमर की, मींस इसका मिरर इमेज जो बनेगा, वहां पे क्या होगा, आपका ये OH की पोजीशन राइट साइड में हो जाएगी। सो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल D फॉर्म हो जाएगा। मींस आप यहां देखो, ये आपका CH2OH ग्रुप है, इसके जस्ट अबव जो कार्बन है वहां पर OH कैसा है, OH आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका कैपिटल D फॉर्म हो जाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। कैसे मिरर इमेजेस हैं, देखो आपका CHO और CHO, ये तो चलो नॉन काइरल कार्बन है तो इनको छोड़ दिया हमने, CH2OH को छोड़ दिया। बाकी आपके पास ये जो काइरल कार्बन थे, 4 काइरल कार्बन, इनके बारे में जरा देखो क्या है, H आपका यहां पे कहां पे था, राइट साइड की ओर था। तो अगर हम बोलते हैं कि ये आपका एक मिरर है, तो मिरर में जो चीज पास में होती है वो क्या होती है, पास में बन भी रही होती है। ये मिरर के क्लोज था हाइड्रोजन, तो इधर भी मिरर के क्लोज हाइड्रोजन बन रहा है। इट मींस कि ये आपका कार्बन के साथ जो ग्रुप्स हैं वो आपके मिरर इमेज रिलेशनशिप्स में हैं। ये OH के देखो पास में है, तो ये क्या है, आपका मिरर इमेज है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये जो आपका आइसोमर है, इस आइसोमर का मिरर इमेज है, इसीलिए आप इसको बोलते हैं क्या कि यह एक इनैंसियोमर्स है। ये दोनों इनैंसियोमेरिक पेयर्स कहलाते हैं, ये दोनों आपस में इनैंसियोमेरिक पेयर है, हमने बोला ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यहां आपके पास देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है, ये क्यूट बेबी है, देखो ये क्या कर रहा है, ये मिरर के पास में खड़ा है, तो इसकी नोज देखो क्या है, मिरर के पास में थी, तो उधर आपका मिरर में भी जो आपका वर्चुअल इसकी इमेज आ रही है
वो भी नोज सबसे पहले आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही फॉर्म आपका कहां पे होता है, इनैंसियोमर्स के केस में। तो इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठा करके क्या इसके जस्ट अबव प्लेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो आप? रीजन देखो, अगर इसको हम ऐसे उठा करके इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो राइट साइड में तो उसके तरफ देखो क्या थे, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन 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 थे, लेकिन यहां राइट साइड में देखो क्या है, OH हाइड्रोजन OH OH हाइड्रोजन है, तो ये आपका प्लेस नहीं होंगे। सो क्या होते हैं इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर्स आपके क्या होते हैं, नॉन सुपरइंपोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो ये आपके होते हैं इनैंसियोमर्स, और ये दोनों फॉर्म्स क्या हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है ना, आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो रहे हैं यहां पे। चलो और स्ट्रक्चर्स देखते हैं जरा। नेक्स्ट आपका आता है इनैंसियोमर के बाद आपका आता है क्या, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर तो ये क्या है, देखो ये भी आपके क्या है, आइसोमर्स हैं, ये भी आपके स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स में भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स में भी आप जब बात करते हो कि वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। मींस ये मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं शो करते हैं। जैसे हम बात करें अगर जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हो, सिन एंटी की बात करते हो, ईजेड की बात करते हो, ये सब क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सिस फॉर्म की अगर हम यहां पे बात करें, सो CH3 सी डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास में देखो क्या है, सिस ब्यूटुइन है। इसका अगर हम ट्रांस फॉर्म बनाते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 H और H, तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिख रहे हैं क्या आपको, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नहीं, कहीं से भी ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे पास में था तो यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए था, CH3 अबव था तो यहाँ पे CH3 आना चाहिए था, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आ रहे हैं, मिथाइल मिथाइल तो आ रहे हैं, लेकिन ये इधर वाले जो कार्बन के साथ लगे हुए ग्रुप्स थे वो आपके कहीं से भी इसके साथ में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं शो कर रहे हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है बट मिरर इमेजेस नहीं है, डायस्टीरोमर्स ऐसे ही कंपाउंड्स को आप बोलते हैं। ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहां एग्जांपल देखो, आपके पास ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में एग्जांपल्स है। ये हमारे पास में डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज है, डी मैनोज है। तो जरा एक बात बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं क्या? देखो जरा भाई, यहां पे आपका OH आ रहा था, अब तो पास में OH बनना चाहिए था, H था तो यहां पे आपका H होना चाहिए था। और एक बात देखो, जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पे हैं उतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पे भी हैं। जो जो ग्रुप्स देखो, यहां CHO ग्रुप था, यहां भी CHO ग्रुप है, यहां भी CHO ग्रुप है, यहां CHOH ग्रुप था, देखो CHOH ग्रुप था, CHOH ग्रुप है, CHOH ग्रुप है, तो सारा ये देखो एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सब आपके क्या हो रहे हैं, देखो सब कहीं ना कहीं आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं बट मिरर इमेजेस ये आपके नहीं बन रहे हैं, मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं देखने को मिल रहा है। एच के सामने अगर यहां पे एच होता तो हम बोलते कि हाँ ये क्या है आपका, मिरर इमेज रिलेशनशिप हो रहा है। तो यहां आपका ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर है ये कहीं से भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा है, ये आपका इसके साथ में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा है, ये इसका इसके साथ में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं शो हो रही है। सो ऑल दोज स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू एज मिरर इमेजेस आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। DIA जो आपका ये है, इसको हम कैसे समझते हैं कि डिफरेंट इमेजेस आर डायस्टीरियोमर्स। जो डिफरेंट इमेजेस होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के वो क्या होते हैं आपके, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। आपके सिंपल से एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सब डायस्टीरियोमर्स होते हैं, सब के सब आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अच्छा, इनैंसियोमर्स जो थे उनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती हैं, यहां पे क्या होता है आपका थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए डायस्टीरियोमर्स को आप क्या कर सकते हो, वेरियस मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन एनांसियोमर्स में ऐसा नहीं होता है, उनकी नियरली सेम होती हैं। सो डायस्टीरोमर्स क्या है आपके, ये आपके मिरर इमेज नहीं होते हैं, ये आपके सुपर नॉन सुपर इंपोजिबल नॉन मिरर ऑब्जेक्ट्स आपके ये होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है देखो एपीमर। सो देखो डायस्टीरोमर एक बड़ा सेगमेंट होता है, एपीमर उससे उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है, डायस्टीरोमर एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें एक छोटा सा स्पेस होता है क्या आपका एपीमर के बारे में। तो एपीमर क्या होते हैं, देखो एपीमर कुछ ऐसा आपका दो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है।
ये भी आपके मिरर इमेजेस नहीं है, क्योंकि हमने बोला एपिमर एक डायस्टीरोमर का पार्ट होता है। सो डायस्टीरोमर एक बड़ा सा सेगमेंट है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है आपका एपिमर। और एपिमर क्या होते हैं, और देखो यहां पे आपके पास में दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स आपके एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, लेकिन किसी एक काइरल कार्बन पर अगर इनकी क्या इन पे आपका मिरर इमेज रिलेशनशिप देखने को मिल रहा होता है। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखो जरा आप ध्यान से, इस स्ट्रक्चर यहां आपके पास में दो एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास में गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है और मैनोज है। सो गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज की अगर हम बात करते हैं, तो देखो हम यहां पे अगर मिरर प्लेस करते हैं, अगर हम यहां पे एक मिरर प्लेस करते हैं, चलो इनके बीच में हमने एक मिरर प्लेस कर दिया, यहां पे भी हमने एक मिरर प्लेस कर दिया अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो एक बात बताओ, जो ये डी गैलेक्टोज है इस डी ग्लूकोज के रिगार्डिंग में आप अगर देखो, तो ये सी एच ओ चलो ठीक है ना, ऊपर हट गया, फिर क्या है, C के साथ ओ एच था, यहाँ H नहीं आ रहा है, यहाँ H था, यहाँ ओ एच आ रहा है। लेकिन अगर हम इस पोजीशन को देखें, अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो इस पोजीशन को देख रहे हैं, फोर्थ पोजीशन को देखें, अगर हम इन फोर्थ पोजीशन को देखें, तो जो आपका डी गैलेक्टोज है वो डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे मिरर इमेज हो रहा है, मिरर इमेज हो रहा है, बाकी आपका कहीं भी मिरर इमेज रिलेशनशिप्स नहीं दिख रही हैं। सो ऐसे कोई आइसोमर्स जो क्या हो रहे हैं आपका, सिर्फ और सिर्फ एक काइरल कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या हो जा रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, सिर्फ एक काइरल कार्बन के रेस्पेक्ट में, एक काइरल कार्बन पे मिरर इमेज तो हो रहा है रिलेशनशिप, ये आपके होते हैं एपीमर्स होते हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। वैसे ही आप देखो जरा, जो डी मैनोज है वो डी ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में सी टू पोजिशन पर ऐसा शो कर रहा होता है। ध्यान से देखो जरा आप, अगर हम इस पोजिशन को देखें, इस पोजिशन को अगर हम देखते हैं डी ग्लूकोज का और डी मैनोज का, तो जो सेकंड कार्बन है ये आपस में देखो क्या है, मिरर इमेज रिलेशनशिप हो रहा है, बाकी सब कुछ दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, डायस्टीरोमर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काइरल कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं, यहां पे मिरर इमेज रिलेशनशिप्स देखने को मिल रही हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट जो यहां पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, कि जो आपका डी गैलेक्टोज होता है वो आपके डी ग्लूकोज का सी फोर पोजिशन पर क्या होता है, एपीमर होता है, और जो डी मैनोज होता है वो आपके ग्लूकोज का सी टू पोजिशन पर क्या होता है, एपीमर होता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके अगर हम बात करते हैं तो इसी ईयर जीपैट 2023 में भी आपका ये क्वेश्चन आए हुए थे, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हुए थे। सो आप देखो एपीमर क्या है, ये एक डायस्टीरोमर्स ही होते हैं, डायस्टीरोमर्स में एक छोटा सा सेगमेंट होता है आपका एपीमर्स का, मीन्स आप कह सकते हो All epimers are diastereomers, but all diastereomers are not epimers. ठीक है ना, चलो ये आपका हो गया epimers related. आगे देखेंगे जरा, next हमारा जो आता है एक और, इसका भी छोटा segment आएगा, वो आपका होता है anomers. Next आता है आपका क्या, anomers होते हैं. So anomers क्या है, देखो हमने बोला डायस्टीरोमर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, एपीमर, जो कि एक छोटा सा पार्ट है। एपीमर का भी एक छोटा सा पार्ट होता है आपका क्या, एनोमर। मींस आप बोलोगे ये आपका अगर डायस्टीरोमर है तो इसके अंदर एक बहुत छोटा सा सेगमेंट पाया जाता है आपका किसका, एपीमर का, और इसके भी अंदर एक छोटा सा सेगमेंट आपका होता है एनोमर्स का। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑल डायस्टीरोमर्स, जितने भी डायस्टीरोमर्स हैं वो एपीमर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आपके एनोमर्स हैं, ऑल एनोमर्स कैन बी एपीमर, वो सब आपके एपीमर्स हो सकते हैं, ऑल एनोमर्स कैन बी डायस्टीरोमर्स, जितने भी एनोमर्स हैं वो सब डायस्टीरोमर्स हो सकते हैं, जितने भी एनोमर्स हैं वो सभी एपीमर हो सकते हैं, जितने भी एपीमर हैं वो सब के सब आपके डायस्टीरोमर्स हो सकते हैं, सबके सब आपके डायस्टीरोमर्स हो सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा, ऐसे आप इसको याद भी रखेंगे क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पे बात करेंगे कि ये अब एनोमर्स क्या हैं। सो एनोमर्स देखो क्या होते हैं, ये भी हमने बोला एपीमर का एक छोटा सा सेगमेंट है, मींस एपीमर में क्या था, आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता था, डिफरेंट होता था,
पूरा स्ट्रक्चर क्या था आपका, डिफरेंट था, आइडेंटिकल था आप कह सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या थे, आइडेंटिकल थे, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन पर क्या हो रहा था, वहां पे आपका काइरल कार्बन, आपका एक काइरल कार्बन में मिरर इमेज रिलेशनशिप देखने को मिल रही थी। एनोमर्स में क्या होता है, ये एक्चुअली देखने को मिलता है आपको साइक्लिक ग्लूकोज में, आपका ग्लूकोपाइरेनोज जो होता है साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वहां पे ये चीज देखने को मिलता है, ये फिनोमेनन। और यहां पे क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट कार्बन होता है, आपके ग्लूकोज का भी जो फर्स्ट कार्बन होता है, वहां पे जो OH की पोजीशन होती है, जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है, यहां पे म्यूटा रोटेशन वाला केस जो होता है यहां पे, तो उस केस में आपका जब ये आप क्या करते हैं, OH एसिटल और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जब OH का जो पोजीशन है, फर्स्ट काइरल कार्बन, पहला कार्बन भी काइरल बन जाता है, तो फर्स्ट काइरल कार्बन पर OH की जो पोजीशन है वो अगर क्या है, आप देखो दो तरह से हो सकता है, एक होता है एबव और बिलो का केस और एक होता है लेफ्ट और राइट का केस। तो देखो अगर OH की पोजीशन क्या है, बिलो है, तो आप इस फॉर्म को बोलोगे अल्फा फॉर्म या फिर अल्फा एनोमर या फिर अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज एनोमर, अल्फा और बीटा दो फॉर्म यहां पे आएंगे। और अगर आपका OH की जो पोजीशन है वो एबव हो जा रही है, अगर OH की पोजीशन क्या है आपकी एबव देखने को मिल रही है फर्स्ट काइरल कार्बन पर, पहले कार्बन पर OH की पोजीशन अगर एबव है, तो आपका ये हो जाएगा कैसा, बीटा एनोमर, ये हो जाएगा आपका बीटा एनोमर, बीटा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज भी आप इसको कह सकते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, ये आपके एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स क्या है आपका, ये भी आपके कहीं ना कहीं एपीमर के ही जैसे हैं कि आपका पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा काइरल कार्बन जो कि फिक्स कर दे रहे हैं इस बार हम, कि पहला काइरल कार्बन जिसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन भी, पहला काइरल कार्बन जो होता है जिसमें आपका हेमी एसिटल या एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो काइरल कार्बन पर OH की पोजीशन अगर क्या है, बिलो होगी, तो आप बोलेंगे वो अल्फा फॉर्म है, आपका अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है। और अगर OH की पोजीशन एबव है तो आप उसको बोलेंगे बीटा एनोमेरिक फॉर्म हो रहा है यहां पे। ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो क्योंकि हमको पता है ग्लूकोज ये आपका स्ट्रक्चर है, यहां पे क्या होता है जब आप साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट जब बनता है, साइक्लिक ग्लूकोज बनता है, तो वहां पे क्या होगा, ये जो आपका क्या है सी डबल बॉन्ड ओ है, ये जो काइरल, ये जो आपका कार्बन है यहां पे, ये क्या है, क्योंकि आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो कार्बन क्या होता है थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है, तो यहां से आपका OH जो है आपका क्या करता है, यहां से बॉन्ड बनाता है इस आपके कार्बन के साथ में, जिस वजह से यहां पे क्या होता है काइरलिटी डेवलप होती है, क्योंकि आपको फाइव मेंबर के रिंग भी मिल जाती है। देखो सिक्स्थ कार्बन ये जो CH2OH है वो तो बाहर चला गया, और ये कार्बन आपका क्या करता है इस ऑक्सीजन के हेल्प से यहां इस कार्बन पर बॉन्ड बनाता है। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका है फर्स्ट कार्बन, इस फिफ्थ वाले कार्बन से क्या करता है, फिफ्थ वाला कार्बन जो ऑक्सीजन है वो आपका यहां कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा होता है। यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको क्या होता है मिल रहा होता है। तो आपको जो और एक देखने को हो सकता है, ये भी आपको देखो कई बार देखने को मिल सकता है, जहां पे आपका OH या तो आपका फर्स्ट का हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और ये हमने क्या किया इसको बना दिया, और ये सिक्स्थ कार्बन का CH2OH हमने यहां लगा दिया। देखो CH2OH हो गया और यहां हमने लगा दिया क्या H, बाकी देखो फर्स्ट पर OH आपका कहां पे है, अगर राइट साइड की ओर है, बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बाकी आप देखो क्या है, जैसा यहां लगा दो OH, यहां लगा दो H, यहां लगा दो H, यहां लगा दो H, यहां लगा दो OH, यहां लगा दिया हमने H, बाकी आपका एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर फॉर्म मिल रहा है जहां पे आपका फर्स्ट कार्बन पर OH जो है वो कहां किस तरफ प्रेजेंट है, अगर राइट साइड की ओर है, तो ये आपका अल्फा फॉर्म है, इसको आप बोलेंगे अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म मिल रहा है। और अगर ये OH कहां पे होता, लेफ्ट साइड में होता, लेफ्ट साइड में होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहां हमने लगा दिया इसके साथ में CH2OH, और ये अपना हो गया देखो स्ट्रक्चर। फर्स्ट कार्बन पे अगर हमने बोला OH, अगर लेफ्ट, लेट्स सपोज लेफ्ट साइड की ओर ओरिएंटेड है, लेफ्ट की ओर होता, रुकिए ये रहा आपका, ठीक है ना, यहां पे आपका OH हो गया, H हो गया, यहां पे आपका OH हो गया, ये आपका H OH, और यहां पे आपका OH H, ये बाकी एज इट इज, बाकी सब कुछ क्या हो गया आपका, देखो यहां पे एज इट इज यहां पे आ गया, ठीक है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज हो गया। एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड पे होता है ना सिर्फ, अरे ये भी H है, OH, हां आपका H, ये हो गया आपका क्या, दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए यहां पे। अभी देखो
अब इन स्ट्रक्चर्स को कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देकर के वो पूछ सकते हैं कि कौन सा आपसे अल्फा एनोमर है, कौन सा बीटा एनोमर है। तो यहां पे आपको क्या देखना होगा कि जो आपका फर्स्ट कार्बन, अभी ये क्या CHO वाला कार्बन देखो काइरल हो चुका है, एल्डिहाइडिक कार्बन भी आपका क्या हो गया है काइरल हो चुका है। सो ये अगर आप देखो यहां पे आपका इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो OH ग्रुप है वो अगर कहां की तरफ है, किस ओर ओरिएंटेड है, अगर ये आपका प्रेजेंट है किस साइड में प्रेजेंट है, तो अगर आपका ये प्रेजेंट होगा राइट साइड में, अगर ये राइट साइड में OH है फर्स्ट कार्बन पे, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है आपका, ये वाला आपका फॉर्म हो जाएगा अल्फा फॉर्म, ये हो जाएगा आपका अल्फा फॉर्म, अल्फा एनोमर हो जाएगा आपका, ये आपका अल्फा एनोमर है। और अगर आपका ये जो OH है ये किस साइड में प्रेजेंट है, अगर आपका फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट OH लेफ्ट साइड में है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा फॉर्म हो जाएगा। सो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों आपके कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो यहां पे एनोमर्स क्या है फिर से एक जल्दी बार आप रिकॉल कीजिए, आपने यहां पे बात किया कि ऑल दोज स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज नहीं है, लेकिन सिर्फ पहला जो काइरल कार्बन है या फिर फर्स्ट जो कार्बन है वहां पे अगर आपका ग्लूकोज के केस में सिर्फ देखने को मिल रहा है, वहां पे ग्लूकोज के केस में पहले कार्बन पर अगर OH कहां पर प्रेजेंट है, एबव है, तो आपका वो बीटा फॉर्म है, या फिर OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा आपका बीटा फॉर्म है, अगर OH राइट साइड में है तो आप उसको क्या बोलेंगे अल्फा फॉर्म बोलेंगे, या फिर अगर OH बिलो प्रेजेंट होगा तो आपका वो क्या हो जाएगा आपका वो अल्फा एनोमेरिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म हो जाएगा। सो ये आपके क्या है डियर, देखो यहां पे हमने बात की इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हमने यहां पे देखा डायस्टीरोमर्स क्या है, फिर हमने देखा एपीमर क्या है और एनोमर्स क्या है। आई होप यहां से आपको अब इन चारों टॉपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।